टेलीविजन के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता इन दिनों अपने कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब डेब्यू से पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे SC ST समुदाय के लोगों को काफी चोट पहुंची। वहीं अब एक्ट्रेस के खिलाफ SC ST एक्ट की गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। मुनमुन दत्ता के खिलाफ नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने हरियाणा के हांसी में FIR दर्ज कराई है। ये FIR IPC की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम भी शामिल है। एक्ट्रेस के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A और SC ST एक्ट की धारा 31R, 31S और 31U के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं गैर जमानती है जिसके मुताबिक अगर पुलिस कार्रवाई करते हुए मुनमुन को गिरफ्तार करती है तो उनकी जमानत नहीं हो सकेगी। मुनमुन दत्ता से अपने यूट्यूब डेब्यू से पहले काफी बड़ी चूक हो गई। एक्ट्रेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कहती नजर आई उसे यूट्यूब पर आना है और इसलिए उसे अच्छा दिखना है। उनकी यहाँ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनकी तरह नहीं दिखना। एक्ट्रेस के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि बढ़ते मामले और लोगों के आक्रोश को देखते हुए मुनमुन दत्ता ने माफीनामा भी जारी किया था।